हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ निशा हर्बल मेहंदी का रिव्यू। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़े भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि ये सैशे के रूप में दी गई है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपके लंबे बाल है लाइक मेरी तरह, तो आप इसके सैशे, इसकी जो क्वांटिटी है वो अपने अकॉर्डिंगली भी आप ले सकते हो। अगर छोटे बाल है तो आई थिंक एक सैशे इसमें काफी होगा। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इसे ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके के इसके सैशे दिए गए हैं, ये देखिए। तो यस, इसमें आपको टोटल 10 सैशे मिल जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, इसमें आपको टोटल 10 सैशे मिल जाएंगे। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और इसे घोल कर दिखाती हूँ कैसे आपने इसका मिक्सचर जो है, यानी कि इसका घोल जो है वो तैयार करना है। दोस्तों, इससे पहले मैंने जितनी भी हिना ट्राई की है ना, उनका रिव्यू तो मैंने शेयर किया ही हुआ है। और मैं बता दूं कि मैंने रेड कलर की हिना, मरून कलर की हिना और ग्रीन कलर की हिना सब लगाई हुई है अपने बालों में, तो रिव्यू एक बार देख लीजिएगा। और मैं एक चीज और बता दूं, ये जो बरगंडी कलर है ना, ये मैं पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ। लेट्स सी कि कैसा रिजल्ट मिलता है, कैसे दिखता है। मैंने इससे पहले ना, मैं सच बता देती हूँ आपको, मैंने निशा मेहंदी का नाम भी नहीं सुना था। जब इन्होंने, मेरी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की, तब मुझे ध्यान में आया कि अच्छा, ये मेहंदी भी होती है। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया और फटाफट से उसी दिन मैंने ये ऑर्डर कर दी थी। तो यस, मुझे अभी कल ही मिली है ये ना, और आज मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यस, ये सैशे आप देख सकते हो इतनी क्वांटिटी में आता है। चलिए मैं बता देती हूँ, ये है बरगंडी रेड कलर है, निशा हर्बल केयर हिना है। नेचुरल हिना बेस्ड हेयर कलर, डिस्कवर कलर्ड हेयर दैट्स नेचुरली ब्यूटीफुल। तो यस, सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की गई हैं। क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, इसकी क्वांटिटी है, सॉरी, इसका प्राइस जो है ना 20 रुपीज है। वन सैशे का प्राइस यहाँ पर 20 रुपीज, यानी कि सिर्फ 20 रुपये मेंशन किया गया है। बहुत ही अफोर्डेबल है। ओनली 15 ग्राम की आपको इसमें क्वांटिटी मिल जाती है। वैसे इसका बड़ा एक सैशे होता तो और अच्छा होता। वैसे ये भी देखते हैं, मुझे तो 5 सैशे यूज करने होंगे इसे पूरे अपने बालों में अप्लाई करने के लिए। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट देता है, होप सो अच्छा ही दे, कहीं ऐसा ना बालों का कुछ बन जाए। तो मैं ये थोड़ा सा डर रही हूँ, बट लेट्स सी। जब तक कुछ नया ट्राई नहीं करते ना, तब तक पता नहीं चलता है कि हमारे ऊपर कौन सी चीज, कौन सा कलर सूट करता है या कौन सा नहीं करता है। तो लेट्स सी कि ये कैसा कलर देता है। तो ये है दोस्तों निशा हर्बल मेहंदी, और सिल्की एंड शाइनी सॉफ्ट हेयर मिलते हैं आपको इससे। सैशे आप देख सकते हो, आपको ये सिंगल सैशे 20 रुपीज के प्राइस में मिल जाएगा। जी हाँ, सिंगल सैशे यानी कि सिंगल पैकेट का इसका प्राइस है सिर्फ 20 रुपए। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपको एक पैकेट जो है काफी होगा, एक या दो पैकेट आप यूज कर सकते हो। अगर आपके बाल लंबे हैं मेरी तरह है लेंथ बालों की, तो आप इसके ज्यादा सैशे भी यूज कर सकते हो, ज्यादा पैकेट भी यूज कर सकते हो। और मैं यहां पर पूरे इसके 5 पैकेट तो इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मैं ना अच्छे से कलर कर देखना चाहती थी कि मेरे बालों में इसका रिजल्ट कैसा आता है, क्योंकि मुझे सारे बाल अपने कलर करने हैं। इसलिए मैं इसके 5 सैशे यूज करूंगी, जो कि शायद मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से काफी होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके छोटे बाल हैं तो आप एक या दो सैशे भी यूज कर सकते हो। इसकी क्वांटिटी आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली ही लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस घोल को मैं तैयार कर लेती हूँ इस बाउल में। और ये जो आप बाउल देख रहे हो ना, ये गंदा नहीं है, एक्चुअली ये मेहंदी के निशान है। आपने देखा होगा मैंने पहले भी मेहंदी की वीडियोस में इस बाउल का यूज किया है। मैंने इस बाउल को ना सिर्फ मेहंदी के लिए या डाई वगैरह के लिए ही रखा हुआ है। वैसे मैंने अपने बालों में आज तक कभी डाई नहीं की है। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा मेहंदी ही लगाती हूँ, तो मेहंदी वगैरह के लिए ही मैंने इसे रखा हुआ है। तो चलिए मैं इसे कट कर लेती हूँ। सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की गई हैं दोस्तों। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें कुछ केमिकल्स भी यूज किए गए हैं, जो कि सिर्फ आपके बालों को कलर देने के लिए यूज किए गए हैं। तो कलर इसका नॉर्मल मेहंदी की तरह ही है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। ये देखिए, बिल्कुल सनलाइट में मैं यूज कर रही हूँ, कोई भी रिंग लाइट वगैरह मैंने नहीं लगाई हुई है। क्योंकि ज्यादातर दोस्तों जो मेहंदी की वीडियोज होते हैं ना, वो मैं ना सनलाइट में ही शूट करती हूँ, क्योंकि उससे आपको नेचुरल कलर का पता चल जाता है। तो यहां पर आप सनलाइट में कलर देख सकते हो, नॉर्मल मेहंदी की तरह ही इसका कलर है। तो ये गया दूसरा सैशे। दोस्तों, इस मेहंदी में ना मैं कोई भी चाय पत्ती का पानी या कॉफी का पानी नहीं मिक्स करूंगी, मतलब उसे डालकर मैं इस घोल को तैयार नहीं करूंगी। मैं सिर्फ सिंपल पानी में ही, नॉर्मल जो पानी होता है, ताजा पानी ले लीजिए, उसमें इस घोल को तैयार करूंगी, ताकि मैं अच्छे से इसका कलर जो है देख पाऊं कि इसके रिजल्ट कैसे हैं, कैसे एक्चुअल में ये कलर देता है। अगर मैं
चाय पत्ती या कॉफी का पानी इसमें नहीं भी ऐड करती हूँ तो ये नेचुरल कलर कैसा देता है ये मैंने देखना था, इसलिए मैं इसमें सिंपल पानी ही ऐड करूंगी। ये दोस्तों मैंने इसमें 5 पैकेट इस्तेमाल किए हैं, ये आप देख सकते हो 5 पैकेट मैंने ले लिए हैं। अगर मुझे कम लगा तो मैं इसमें 1 पैकेट और ऐड कर लूंगी। दोस्तों एक चीज और मैं आपको यहां पर बता दूं कि अक्सर जब आप नॉर्मल मेहंदी लगाते हो जैसे कि नूपुर मेहंदी, नेहा मेहंदी या कोई भी और हर्बल मेहंदी आप लगाते हो तो उसे हमें क्या करना होता है कि रात भर पानी में भिगोकर रखना होता है, घोल को तैयार करके रखना होता है, नेक्स्ट डे हम उस मेहंदी को अप्लाई करते हैं अपने बालों में। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है क्योंकि इसके पैकेट पर भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि आपने इसे घोलकर 1-2 घंटे के लिए रखना है या 2-3 घंटे रखना है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। बस आपने इसे साथ साथ घोलना है और साथ के साथ लगा लेना है। लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ दोस्तों, मैं इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए घोलकर रखूंगी ताकि जो कलर है और जो भी तत्व है वो अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में और कलर जो है अच्छे से आ जाए इस मेहंदी का। बस मैं इसे 10 मिनट के लिए रखूंगी और इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो चलिए मैं इसे 10 मिनट के लिए अब घोलकर रख दूंगी। इस तरीके से आप देख सकते हो प्लेन वाटर लिया है मैंने, यहां पर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है आपने, इसका अच्छे से घोल तैयार कर लेना। और हाँ, इसमें कोई भी ना गांठ वगैरह ना रहे, लम्स वगैरह ना रहे, बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेना। कलर आप देख रहे हो कितना अच्छा कलर आया है, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो लेट्स सी कैसा रिजल्ट देता है। चलिए मैं इसे फटाफट से घोल लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये घोल अच्छे से तैयार हो चुका है, इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं है, कलर बहुत ही ब्यूटीफुल आया है, बहुत अच्छा लग रहा है कलर। तो चलिए मैं इसे फटाफट से लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने बालों को कॉम अच्छे से कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो कोई भी टैंगल नहीं होना चाहिए बालों में। और हाँ दोस्तों, जब भी आप मेहंदी लगाएं या कोई भी पैक वगैरह लगाते हैं तो आपके बाल एकदम क्लीन होने चाहिए और बालों में कोई भी ऑयल वगैरह या पैक लगा नहीं होना चाहिए। सिंपल शैम्पू से आपके बाल जो है वो बस साफ होने चाहिए, बालों में गंदगी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी कलर जो है अच्छे से नहीं आता है बालों में। मुझे मेरा बन काफी अच्छा लग रहा है, थोड़ा टेढ़ा बना है बट ठीक बना है, पता नहीं ऐसा मुझे लग रहा है टेढ़ा है बट टेढ़ा नहीं भी है, यहां से तो ठीक लग रहा है, बस पता नहीं मुझे। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। वैसे कोई बात नहीं भी, अपने हाथों के हल से खुद को मेहंदी लगाना बहुत बड़ी बात होती है और मैंने ये ठीक ठाक लगा ली है, तो आप बताइएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए ना इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, देखो ठंडी का मौसम है फिर भी मैं मेहंदी लगा रही हूँ, जस्ट बिकॉज की सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो का। तो दोस्तों प्लीज मेहनत के लिए यार इतनी सर्दी लग रही है, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को प्लीज दोस्तों, लाइक कर देना। आप लाइक करने में ना बहुत कंजूसी करते हो सच में। तो चलिए इस ब्रश के हल से भी लगाकर देख लेते हैं, वैसे ओके ओके है क्वालिटी ब्रश की। चलिए कोई बात नहीं, हमने कौन सा कुछ और ज्यादा इस्तेमाल करना है, बालों में ही लगानी है। चलिए मैं लगाकर देखती हूँ इस ब्रश की हल से कैसी लगती है। अरे वाह, इससे भी अच्छे से लग रही है, इतनी बुरी क्वालिटी भी नहीं है। मैंने सोचा था पता नहीं कैसा ब्रश अच्छा है। और आप इसे और भी अगर कोई हेयर कलर लगाना चाहते हो ना तो भी लगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने मेहंदी को लगा लिया है, अच्छे से ही ना अप्लाई कर लिया है। अब मैं इस मेहंदी को सिर्फ 1 घंटे तक लगाकर रखूंगी, जैसा कि इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि ये सिर्फ 1 घंटे तक ही लगानी है आपने, तो सिर्फ मैं इसे 1 घंटे तक ही लगाकर रखूंगी और उसके बाद अपने बालों को वॉश करूंगी। सिर्फ सिंपल पानी की हेल्प से ही, मतलब नॉर्मल पानी की हेल्प से मैं वॉश करूंगी, कोई भी शैम्पू वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि मुझे एक्चुअल में कलर देखना है कि बिना शैम्पू के भी ये कलर कैसा दिखती है। तो यहां पर मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, हिना अच्छे से निकाल ली है बालों से, आप देख सकते हैं बालों को वॉश कर लिया है मैंने और मैंने शैम्पू नहीं किया है। अभी मैं आपको धूप में भी दिखाऊंगी कि कैसा इसने कलर दिया है हिना ने बालों को। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, अभी बाल गीले हैं, ड्राई होने के बाद ही आप अच्छे से कलर को देख पाएंगे। धूप में भी आप कलर देख सकते हो दोस्तों, मुझे कलर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइएगा मैसेज करके कि आपको कलर कैसा लग रहा है। ये आप देख सकते हो शाइनिंग बहुत अच्छी आई है बालों में, बहुत ही स्मूथ लग रहे हैं, सिल्की लग रहे हैं और शाइन बहुत अच्छे से आई है। ये देखिए आप, हो सकता है आपको शायद थोड़ा सा कलर चेंज नजर आ रहा हो बट यस, बरगंडी कलर तो इसने दिया है बालों में, ये आप देख सकते हो।
हो सकता है दोस्तों ये आपको ब्राउन नजर आ रहा हो, बट जब मैं इसे ऐसे कर देख रही हूँ तो इसमें बरगंडी कलर नजर आ रहा है। होप सो काश कि आपको भी अच्छे से नजर आ रहा हो इसमें। तो यस आप देख सकते हो ये। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको धूप में भी कलर दिखा दिया है, बहुत ही अच्छे से इसने कलर दिया है। अभी मैं रूम में बैठी हूँ तो आपको इतने अच्छे से कलर नजर नहीं आ रहा होगा, अभी आपको ब्लैक ही दिख रहे होंगे या ब्राउन दिख रहे होंगे मेरे बाल, लेकिन आप देख सकते हो शाइनिंग बहुत अच्छी आई है बालों में, इसलिए मैंने आपको धूप में भी इसका कलर दिखाया है। इसने बहुत ही अच्छे से कलर किया है बालों में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने कभी भी इस मेहंदी का इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने आज ये फर्स्ट टाइम ही यूज़ की है मेहंदी, और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस मेहंदी का। मैं भी इसे ट्राई कर देखना चाहती थी, नया कलर ट्राई करना चाहती थी, बहुत अच्छे से इसने बालों को कलर किया है। कम प्राइस में दोस्तों अगर आप अपने बालों को कलर करना चाहते हैं, एक नया लुक देना चाहते हैं, बालों को एक नया लुक देना चाहते हैं, तो ऐसे में ये निशा मेहंदी काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकती है। और दोस्तों मैं आपको साथ में एक चीज और बता दूं कि इस मेहंदी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब जलन या इरिटेशन आपकी स्किन पर नहीं देती है। ये जैसे कि आप नुपुर वगैरह या नेहा की मेहंदी यूज करते हो ना, तो सेम इसके भी ऐसे ही रिजल्ट है। और ये मेहंदी थोड़ा सा दूसरी मेहंदी से इसलिए भी अलग है क्योंकि ये एक घंटे में ही आपके बालों को बहुत अच्छे से कलर कर देती है, आपको ज्यादा इसमें 2-3 घंटे लगाकर रखने की जरूरत नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा जो हम नुपुर हिना या फिर दूसरी जो मेहंदी लगाते हैं नेहा हिमालया, तो वो हमें 2-3 घंटे लगाकर रखनी पड़ती है या फिर हमें उसे एक रात पहले घोल कर रखना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप साथ के साथ भी घोल कर लगा लेंगे ना, बस 1 घंटा लगाकर छोड़ दीजिए, तब भी आपके बालों को बहुत अच्छे से कलर देती है। और मैं आपको ये डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी दोस्तों, अगर आप कम प्राइस में और कम समय में अपने बालों को रंगना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, तो ये निशा मेहंदी काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा। और दोस्तों ये जो निशा मेहंदी है ना, इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और हो सकता है दोस्तों ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाए और ऑनलाइन भी, ऑनलाइन तो मैंने लिंक दे दिया है और ऑफलाइन भी आपको हो सकता है ये जरूर मिल जाए, एक बार ट्राई कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कम समय में बालों को कलर करने का ये ऑप्शन बेस्ट तो है ही, साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप डाई वगैरह की बजाय ना आप ये वाली हिना ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। डाई वगैरह से क्या होता है कि अक्सर काफी बार वो आपको सूट नहीं करती है और ऐसा लगता है बाल एकदम से जैसे बहुत ज्यादा ब्लैक हो गए, जैसे आपने विग लगा लियो, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। अदरवाइज अगर आपको डाई सूट करती है तो आप वो ट्राई कर सकते हो, लेकिन जिन लोगों को मेहंदी लगाना पसंद है और मेहंदी से अपने बालों को कलर करना चाहते हैं, तो ये निशा मेहंदी काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों इस मेहंदी में ना आपको और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, इसमें आपको रेड कलर भी मिल जाएगा, ब्राउन कलर भी मिल जाएगा, मैंने लिंक दे दिया है, आप एक बार अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि आपको कौन सा कलर पसंद है, तो आप उसके हिसाब से भी इसे चूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम एमएक्स टकटक पर भी। दोस्तों आपका फीडबैक मैं इसलिए मांगती हूँ क्योंकि आपकी सभी मैसेजेस मैं हमेशा रीड करती हूँ, लाइक भी करती हूँ, और आपके मैसेजेस मुझे मोटिवेट करते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैसेज करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी मैसेज करके जरूर बता दिया करें, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूं। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।